आज टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और टाइम है अभी अपने टेस्ट को एनालाइज करने का, क्या सिली मिस्टेक हुआ और किस तरीके से इस चीज को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे काम करने का। इसलिए टेस्ट देना, रिजल्ट देखना और साथ ही एनालाइज करना, तीनों इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब तीनों को साथ में लेके आगे बढ़ना गाइज। तो गाइज इट्स वेरी सैड कि आज मेरे 0 मार्क्स बन रहे हैं इस टेस्ट में, पर मैंने आपको रीजन बताया था एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वन। मैंने आपको बताया था रीजन कि मैं गलती से अपने बैच का टेस्ट देने के बजाय दूसरे बैच में टेस्ट दे चुका था, तो इसके वजह से यहाँ पर मैंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि टाइम बेकार में, टाइम ऑफ मतलब टाइम की बर्बादी होता है, क्योंकि उसमें भी वो जो बैच है अल्फा बैच उसमें भी यही सेम टेस्ट था, सेम सिलेबस था, तो मैंने सोचा कि उससे पे फिर से टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं हुआ। तो इसमें अभी 0 मार्क्स बने मेरे, तो हम अपने जितने मार्क्स बने हैं उसको देखते हैं कि क्या दैट वाज राइट और रॉन्ग, कितने मेरे मिस्टेक हुए, कितने क्या सीरियस मिस्टेक हुए, उसको चेकआउट करते हैं। सो गाइस क्या अनुमान लगा सकते कितने मेरे मार्क्स बने बिना देखे? देखो यहाँ पे जो टॉपर है वो उसके 192 मार्क्स बन रहे हैं और जो एवरेज है उसका 97 है, तो केस करो कि मेरे कितने मार्क्स बने होंगे। मैं आपको कितना बता देता हूँ, मैं अपना टाइम बताता हूँ, मेरा टाइम इतना, मैंने इतना टाइम लिया, कंप्लीट इतना किया, एक्यूरेसी इतना है और 4 क्वेश्चन जो थे वो स्किप हुए थे मेरे, तो इसके इनकरेक्ट 12 हो चुके हैं और 32 करेक्ट है और मेरे रैंक्स बन रहे हैं 6677। तो आप बताओ कि मेरे मार्क्स कितने हैं, कैन एनीबॉडी कैलकुलेट दिस वन? तो मैं बता देता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने बने हैं, तो 116 मार्क्स बने हैं और अगर हम डिटेल व्यू करने जाएं तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो मेरे 192 मार्क्स बने, ओ सॉरी 116 मार्क्स बने और यानी परसेंटाइल 54% अगले टेस्ट में इससे भी ज्यादा और मार्क्स ऑब्टेन करना, लेकिन इससे पहले मुझे पीछे वाला टेस्ट देखना होगा कि उसमें कितने मार्क्स बने थे मेरे। ओ माय गॉड, ये देखो ये 23 जुलाई का एग्जाम को मैंने जब टेस्ट दिया था उसका, और उसमें भी मेरे उतने ही मार्क्स बने थे जितने इस बार बने लिटरली, पर हालांकि परसेंटाइल वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ के कंपेरिजन में और रैंक भी वहाँ पे इंप्रूव है, लेकिन मार्क्स इतने बने यार गाइस, इसको तो इंप्रूव करना होगा, मैं कहीं यहीं पर करना रहता हूँ, ये तो अमेजिंग होगी गजब, लेकिन इतने मार्क्स भाई, तो भाई मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे? देखो एक बार और पहला जो टेस्ट था उसमें मेरे 126 बने थे, मतलब 130 से भी मेरे मार्क्स नीचे रह जा रहे हैं यार।